नमस्कार, क्रांति न्यूज इंडिया से मैं अनामिका झा। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के कंझावला एरिया में एक महिला के शव के मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए हमने कार को आइडेंटिफाई करके कार में बैठे हुए 5 लोग, जिसमें ड्राइवर और उसके 4 साथी, उनको अरेस्ट किया है। उनके खिलाफ 279, 304A और 304 IPC में केस दर्ज किया गया है। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके उनके पुलिस रिमांड के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी, ताकि उनकी मौजूदगी में पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को इस्टेब्लिश किया जाए, हर एस्पेक्ट को एग्जामिन किया जाए और जो भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं उनको हम अपने इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करें। महिला के पोस्टमार्टम के लिए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट GNCT को एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट की है, ताकि 3 डॉक्टरों की एक टीम पोस्टमार्टम करें और हर एंगल से इस केस में हमें अपनी रिपोर्ट सौंपे। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की बात है, दिल्ली पुलिस हर पहलू पे इन्वेस्टिगेशन को पूरी प्रोफेशनल तरीके से विद द हेल्प ऑफ फॉरेंसिक टीम, साइंटिफिक टीम एंड लीगल कंसल्टेंट्स आगे लेकर जा रही है। और ये हमारी कोशिश है कि हम कम से कम समय में अपने इन्वेस्टिगेट कंप्लीट करें और जो भी अक्यूज्ड हैं उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। आप 22 फोन कर रहा है पुलिस वालों को और पीछे पीछे चल रहा है उस लाश के। 3 PCR वैन रस्ते में मिली उसको, 3 PCR की गाड़ियां। और बेगमपुर वाले को तो इसने बताया कि देखो, और PCR वाले उस गाड़ी को रोकने के लिए नहीं तैयार थे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेशर्मी है। ये हाल किया है इन्होंने हमारे देश की संस्थाओं का, भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली पुलिस जैसे इंस्टीट्यूशन को इस हालत में लाके खड़ा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारी बच्ची को नंगा करके घसीट रहा है। और दिल्ली पुलिस की औकात नहीं कि उनकी PCR उसकी गाड़ी को रोक ले, ये हालत करी है LG विनय सक्सेना ने दिल्ली पुलिस जैसे इंस्टीट्यूशन की। आप सोचिए, ये सिर्फ इत्तेफाक है कि PCR गाड़ियां आ रही हैं, 22-22 कॉल हो गई, कोई रोकने के लिए तैयार नहीं। FIR जो है वो तो ऐसी बनाई गई है जैसे जो आरोपी होते हैं उनका वकील बताए ना कि साहब एक काम कीजिएगा, इस सेक्शन में दर्ज कर देना तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मतलब मैं अगर LG होता तो मैं उन पुलिस वालों का ऐसा हश्र करता कि कोई आदमी कभी ऐसा सोचता नहीं ऐसा करने के लिए। किसी की बेटी किसकी दुर्दशा हो, और क्या मुकदमा दर्ज किया, 304 हुए होता है डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस। मतलब यह है कि भाई साहब आप स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, किसी का कोई आदमी बीच में आ गया और उसके कारण एक्सीडेंट हो गया और उसकी हत्या, उसकी मृत्यु हो गई। इसको कहते हैं जो सबसे हल्की धारा किसी की मृत्यु पे लगाई जा सकती है वो है 304A, जिसकी बेल थाने से ही हो जाती है। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, थाने में ही जो है उसकी जो है जमानत हो जाती है 304A। और हरिंदर सिंह को देखो, जो DCP बने घूम रहे हैं, कैसे वर्दी टिकी हुई है उनके शरीर पे, मैं तो इंतजार में हूं, हैरान हूं मैं। वो DCP बोल रहा है कि इन्होंने शराब पी है नहीं पी है इसकी पुष्टि मेडिकल के बाद होगी। सारी दुनिया बता रही है कि शराब पी के वो घूम रहे थे, DCP को सुगंध नहीं आई उनके मुंह से, महक नहीं आई DCP को अब तक उनके मुंह से। वो कह रहा है कि उन्होंने शराब पी है नहीं पी है इसकी पुष्टि तो मेडिकल में होगी, मगर इस बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ इसकी पुष्टि हरिंदर सिंह खुद कर देते हैं। डॉक्टर है हरिंदर सिंह, यह भगवान है हरिंदर सिंह, कि वो इस चीज की पुष्टि कर रहा है कि इसके साथ ना रेप हुआ, ना इसके साथ रेप की कोई कोशिश हुई, ना इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई। वो पुष्टि हरिंदर सिंह कर रहा है क्योंकि वो भगवान है।
और धमका रहा है पत्रकारों को, ट्वीट डिलीट करा उसने पत्रकारों के कि कैसे लिख दिया कि तुमने इसके साथ रेप हुआ, मगर उन्होंने शराब पिया नहीं पिया ये हरिंदर सिंह कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसकी पुष्टि तो मेडिकल के बाद होगी। बहुत घटिया और शर्मसार करने वाली ये घटना है और इसकी जितनी निंदा की जा सके उतनी कम है। लीपा पोती की कोशिश पहले मिनट से शुरू हो गई और जिस तरीके से जिन धाराओं के अंदर इस मुकदमे को दर्ज किया गया, मैं शाम से लिख रहा हूं और कई अखबारों के अंदर तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह बहुत घटिया काम है और सीधा सीधा आरोपियों को बचाने की कोशिश में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो सड़कों पे बच्चियां निकलती हैं काम करने के लिए, ये कौन बच्चियां हैं? जब अंकिता भंडारी के साथ बलात्कार की कोशिश हुई और उसकी हत्या की भाजपा के दरिंदों ने, तो मैंने ये बात अपने पत्रकारों को कही थी कि भाइयों ये हमारे आपके घरों की बच्चियां हैं जो काम करने निकलती हैं, जो परिवार का पेट पालने के लिए निकलती हैं, जो अपना करियर बनाने के लिए सड़कों पर निकलती हैं। ये कोई बड़े बड़े नेताओं की बच्चियां नहीं जाती, ना बड़े बड़े आईपीएस और आईएएस की बच्चियां जाती हैं, ये हमारे आपकी बहनें जाती हैं। और अगर हमारे आपके बहनों और बच्चियों के साथ ये हरकत होने लगेगी, जैसे अंकिता भंडारी को कहा गया, एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी नेताजी को, और एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। ये हमारी बेटी भी हो सकती थी, मेरे को तो रात को नींद नहीं आई ये सोच सोच के कि ये हमारी बेटी भी हो सकती थी। मैं 12:30 तक रात को ट्वीट करता रहा इसको देख के, मैं सुबह सुबह फिर उठ गया कि मैं जानना चाहता था कि क्या हुआ भाई इसके साथ। और देखिए एलजी साहब कह रहे हैं कि मेरा शर्म सर जो है शर्म से झुक गया, मुझे लगता है एलजी साहब को बर्खास्त करना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से ये डिमांड करता हूं कि एलजी विनय सक्सेना जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। कैसे कैसे लोगों के हाथ में हमने पूरी की पूरी व्यवस्था दे दी, इनको कोई दिल्ली का कोई आइडिया नहीं, ये दिल्ली में कभी रहे नहीं, इनको दिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं, इनको मैं अगर छोड़ दूं सुल्तानपुरी में तो इनको यह नहीं पता कि किस दिशा में नजफगढ़ है, ये तो यह भी नहीं जानते कि ईस्ट जाना है या वेस्ट जाना है। और ऐसे ही कमिश्नर है, कमिश्नर ला के थोप दिए जाते हैं दिल्ली के ऊपर। क्या दिल्ली का पुलिस कैडर इतना निकम्मा है, इतना नलायक है कि पहले आप गुजरात कैडर से अफसर ले आए, अब आप किसी दूसरे तमिलनाडु कैडर से अफसर ले आए? बहुत शर्म की बात है, पूरी की पूरी केंद्र सरकार दिल्ली को बर्बाद करने के अंदर लगी हुई है। आज अंजलि के केस में हमने दिल्ली पुलिस को समन करा था, दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं और उन्होंने हमें एक जवाब दिया है। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश करी कि उन्होंने किस तरीके की जांच करी है, तो उनकी जांच में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह निकल कर आए हैं। मेरी ये रिकमेंडेशन है केंद्र सरकार को कि ये केस तुरंत दिल्ली पुलिस से लेके सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली पुलिस ने जांच करी है इस केस में, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल चिंताजनक है और संतुष्ट करने वाली नहीं है। सबसे पहले हमें ये पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने आज तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा है। ऐसा कैसे हो सकता है? निधि का फोन रिकवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस फोन में बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकती है। तो अभी तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा गया है, कन्फिस्केट नहीं करा गया है, एफएसएल में नहीं भेजा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात हमें ये पता चली है कि जो सीसीटीवी फुटेज है पूरे एरिया में, चाहे वो 12 किलोमीटर का स्ट्रेच हो जहां पे अंजलि को घसीटा गया, या वो ओयो होटल से लेकर एक्सीडेंट साइट तक का पूरा जो सीसीटीवी फुटेज है, वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास अभी खंगाले नहीं गए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग अभी दिल्ली पुलिस द्वारा ली नहीं गई है। उनमें से कुछ सीसीटीवी कैमरास ही दिल्ली पुलिस ने देखे हैं। मेरे हिसाब से ये भी होना बहुत जरूरी है। तीसरा, जितने भी आई विटनेसेस हैं उन सबके 164 स्टेटमेंट नहीं हुए हैं अभी तक, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। सारे आई विटनेसेस के इमीडिएट 164 स्टेटमेंट होने चाहिए। मैं ये मानती हूं कि दिल्ली पुलिस का रवैया इस केस के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रश्न रेज करने वाला रवैया रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हमें बताया कि 2:22 पर पहला कॉल आया था उनके पास पीसीआर पे, जिसने बताया, आई विटनेस ने बताया कि एक लड़की गाड़ी के अंदर फंसी हुई है, उसे घसीट के गाड़ी लेके जा रही है, पर 4:30 बजे तक दिल्ली पुलिस ने इस केस पे कोई कार्यवाही नहीं करी। और जब 4:15 बजे
एक और कॉल आई पीसीआर पे जिसने बताया कि लड़की की लाश नग्न पड़ी है, तब जाके पीसीआर वहां पे पहुंचती है। तो मेरे हिसाब से जो ये ऑफिसर्स हैं जिनकी गलती थी, उन सबको आइडेंटिफाई करके उनको सस्पेंड करना चाहिए और ये पूरा का पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। क्रांति न्यूज इंडिया से विशेष संवाददाता अनीता गुलेरिया की खास रिपोर्ट।